हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी पारामेडिकल का इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी लोग सिलेक्शन की गारंटी ले सकते हैं 99 रुपये में। सभी विषयों का, पारामेडिकल के सभी विषयों का नोट्स मिल रहा है, जिस नोट्स से 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। तो अगर आपने नहीं लिया है तो नोट्स को ले लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया कलकत्ता अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया कलकत्ता अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में। सही जवाब ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तिलक द्वारा, एनी बेसेंट और तिलक द्वारा, मोतीलाल नेहरू और गांधी द्वारा, बोयम चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी, एनी बेसेंट और तिलक द्वारा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, बताइए। थर्ड नंबर प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बताइए। अगर नशा करना ही है तो मेहनत की करो, अगर नशा करना ही है तो मेहनत की करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, अगर नशा करना है तो मेहनत की करो। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, विनोबा भावे। याद रखिएगा, विनोबा भावे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है फोर नंबर, कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, उसकी हत्या की थी, किसकी हत्या की थी, आपको पता होगा। कुख्यात जनरल डायर जो जलियांवाला, कुख्यात जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, उसकी हत्या की थी, किसकी हत्या की थी। यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है तो आपको पता होगा, उधम सिंह का हत्या कर दिया था, उधम सिंह का, याद रखिएगा, उधम सिंह का, जनरल डायर ने। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, बताइए। दिल्ली से पहले, अभी तो भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी, कोलकाता। याद रखिएगा, कलकत्ता है ना, कलकत्ता। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है सिक्स नंबर, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। मतलब 1952 में कौन सा कांड घटा था भाई, कौन कांड हुआ होगा, कोई तो कांड जरूर हुआ होगा, है ना, इसलिए इतिहास में है, बताइए। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम बता दें, इस वर्ष लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन चुनाव हुआ था, प्रथम आम निर्वाचन चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है जब साथ देने वाला धोखेबाज ना हो, जब साथ देने वाला धोखेबाज ना हो, है ना भाई। चलिए, भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है, कल भी बताए थे, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना, यूपीएससी जो एग्जाम होता है सिविल सेवा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री, महान्यायवादी, महालेख परीक्षक। सही जवाब ऑप्शन सी, महान्यायवादी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है, अब भारतीय संविधान में, अब मतलब प्रेजेंट में, ठीक है, अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 6, 8, 10, 12, बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी, 12, 12, 12। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बताइए। 10 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम के गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति पूछ रहा है, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और
कई बार आ चुका है, इसलिए वीवीआई एकदम काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निव विरोध चुने गए थे, बताइए, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुन अली अहमन, बताइए सही जवाब ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संविधान में भारत की व्याख्या है, संयुक्त राज्यों के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों के राजमंडल के रूप में, एकात्मक राष्ट्र के रूप में, बताओ मेरे प्यारे भाइयों, बताओ रसगुल्लो, संविधान में भारत की व्याख्या है, सही जवाब राज्यों के संघ के रूप में, है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे ही तबाही मचा देना है, सिलेक्शन होगा नहीं भाई, सिलेक्शन छीनना पड़ेगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है किस चीज का, संसदीय सरकार का, याद रखिएगा संसदीय सरकार का। चलिए आज अकेला हूं तो क्या हुआ, कोई था मेरा अपना कुछ वक्त पहले। चलिए ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है, क्या मजाक है सर। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री यूनिट कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, आंचलिक परिषद के, प्रादेशिक परिषद के, सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एकदम झकास प्रश्न आ गया, बवाल है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन से निषिद्ध करता है, बताइए, निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन में पक्ष परिवर्तन का निषिद्ध करता है। चलिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, जितना भी करवा रहे हैं लाडो सबको एकदम याद कर दे, चलो ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन भूमिबद्ध है, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, केरल, बताइए मेरे, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बिल्कुल बाबू। चलिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन भूमिबद्ध है, सही जवाब ऑप्शन बिहार, भूमि पर ही आधारित है, कहने का मतलब भूमि पर कौन स्टेट है जो आधारित है, हमारा बिहार, है ना। चलिए एकदम बिल्कुल भूमि पे ही 80% लोग यहां उसी पर है, जीव को प्रजन 80% का उसी से है। दमन और दीव को कौन अलग करती है, नर्मदा नदी, दमन और दीव हम गए हैं, ठीक है, तो हमको पता है, आपको भी पता है, हम भी गए हैं, आप भी गए, सब गया है। चलिए दमन और दीव कौन अलग करती है, नर्मदा नदी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ताप्ती नदी, सही जवाब ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी जो दमन और दीव को अलग करती है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है या गुजरती है, बताइए निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है, भूमध्य रेखा, उत्तरीय ध्रुव वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा, बताइए, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्क रेखा, याद रखिएगा कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19 नंबर, भारत की जलवायु है, क्या प्रश्न है भाई, एकदम बवाल प्रश्न आ चुका है, बवाल है, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण जलवायु, समान प्रकार की जलवायु, उपोष्ण मानसून, बताइए भारत की जलवायु कैसन बा, बताइए सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से थोड़ा समझना, मजेदार प्रश्न है, मजेदार जवाब भी देना, विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है, बताइए सही जवाब अवशिष्ट पर्वतों से, याद रखिएगा अवशिष्ट पर्वतों से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है,
चलिए भाई बताइए, भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? बताइए, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है मछुआरा लोग, चलो पश्चिम बंगाल वाले। 22 राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? राजमार्ग नंबर 8 बहुत ही फेमस है। राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? याद रखिएगा आपके एग्जाम में आ सकता है, दिल्ली और मुंबई। राजमार्ग 8 है जो दिल्ली और मुंबई महानगरों को जोड़ता है, नगरों को जोड़ता है। चलिए, बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? ये सभी को पता है कि सबसे पहली रेलगाड़ी बम्बई और थाने के बीच चली थी। आपसे पूछ इसवी पूछ रहा है, ठीक है? आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा, बोल देगा बाप क्या दादा के नाम है, ये बता कि उकर बाप के जन्म कब हुआ है ना। चलिए तो बता दीजिएगा, क्या दिक्कत है, कब चला था सबसे पहले ट्रेन, बताइए। 1853 ईस्वी में। आपको पता होगा बंबई एवं थाने के बीच मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी में। चलिए मेरे लाडलो रसगुल्लो पेड़े, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद, पेरम्बूर? बताइए, बताओ जल्दी से, अगर हिम्मत है तो आओ मुकाबला इश्क करे, हारे तो आप हमारे और जीते तो हम तुम्हारे, जीते तो हम तुम्हारे। चलिए बताइए 24 का, 24 डी हो जाएगा, पेरम्बूर, याद रखिएगा पेरम्बूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से एक बार बोल दे। अच्छा बहुत अच्छा लगा शायरी, बोलना चाहिए ना। अरे मच्छर भी बहुते लगता है, बोले हमने क्या बोला, हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है, बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई, है ना। हमें कहाँ मालूम था कि इश्क होता क्या है, बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई, है ना भाई। नाराज होकर भी नाराज नहीं होते, कुछ ऐसी मोहब्बत करते हैं आपसे, मतलब आप सभी लोगों से, है ना। चलिए, हाँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भेल कहाँ स्थित है? भेल बताओ मेरे रसगुल्लो, सही जवाब ऑप्शन ए है ना, बिल्कुल भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद की वैज्ञानिक होगे बिरयानी। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना, 25 इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सभी बच्चे पढ़ेंगे तभी तो बिहार आगे बढ़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है आपको, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।